भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बरसात के मौसम में हर वर्ष की तरह वार्षिक भुट्टा पार्टी का आयोजन किया। आयोजन में मीडिया कर्मियों के साथ भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जहां गलबैया करते नजर आए, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ शोले फिल्म का गाना गाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार रात विधानसभा परिसर में भुट्टा पार्टी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने शुरुआती दौर में भुट्टा पार्टी बरसात के समय में मीडिया कर्मियों के लिए शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे आयोजन बड़ा होता गया और इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होने लगे। भुट्टा पार्टी के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय ने शक्ति प्रदर्शन किया। भुट्टा पार्टी के आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मंत्रिमंडल के साथी सहित दोनों ही दलों के विधायक और मीडिया के लोग मौजूद रहे। पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ बैठकर पार्टी को एंजॉय किया। पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय और संपादक शैफाली गुप्ता से मुलाकात कर चर्चा की। भुट्टा पार्टी में तब समा बंध गया जब विजयवर्गीय के आग्रह पर सीएम शिवराज ने मिलकर प्रसिद्ध फिल्म शोले का मशहूर गाना गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस गाने में शिवराज सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों ने ये गाना उत्साह के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाया। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने सावन का महीना, पवन करे शोर गाने को बेहतरीन तरीके से गाया। गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय एक नेता होने के साथ बेहतरीन गायक भी हैं। भुट्टा पार्टी में भुट्टे से बने कई तरह के खाने के व्यंजन रखे गए थे, जिसकी सभी ने जमकर सराहना की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।